मुंबई के पास विरार से डराने वाली वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे खड़े एक ऑटो के ऊपर अचानक से नारियल का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से ऑटो का ऊपरी हिस्सा उसी में धस गया। घटना की वीडियो में ये ऑटो धीरे धीरे सड़क किनारे आगे बढ़ता हुआ दिखा और एक तिरछे खड़े नारियल के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। तभी तिरछा खड़ा नारियल का ये पेड़ धड़ाम से ऑटो के ऊपर आ गिरा। इस पेड़ की वजह से ऑटो की हालत काफी खराब हो गई, मगर राहत की बात ये रही कि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ पर कुदरत का कोहराम, मैदान में लहरों का हाहाकार, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फटा बादल, जुलाई में जानलेवा मौसम, देश के अलग अलग इलाकों से आई ये पांच तस्वीरें कुदरत के उस कोहराम का नतीजा है जिसे लगभग हर साल बारिश के मौसम में देखा जाता है। पहाड़ पर लगातार फट रहे बादल जहां तबाही और बर्बादी का मंजर सामने ला रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में आसमान से उतरती आफत मानो सब कुछ लील लेने को आमादा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन पहाड़ी इलाकों की तस्वीर जहां प्रकृति की हसीन वादियों के बीच कुदरत अपना कहर बरपा रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति से आई ये तस्वीरें उस तबाही की गवाह हैं, जिस तबाही को इस इलाके ने अब से कुछ दिन पहले महसूस किया था। बादल फटने के चार दिन बाद भी यहां बर्बादी का खौफनाक मंजर पसरा हुआ है। राहत और बचाव की टीमें दिन रात लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी है, लेकिन पहाड़ की दुश्वारियों के बीच लोगों तक मदद पहुंचाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बादल फटने के बाद पुल बहने की वजह से दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों का संपर्क टूट चुका है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये लगभग पांच जगह से इफेक्ट हुआ था। तोजिंग नाला जो एक छोटा सा नाला था वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया था, जहाँ पे हमारे चार जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद इसके आगे चार पुल आए, एक अभी हम खड़े हैं शानशाह पुल पे, जो कि आप देख सकते हो एक साइड की अप्रोच पूरी टूट चुकी है। जब हम अप्रोच ठीक करेंगे तब हमें पता लगेगा कि पुल का क्या स्टेटस है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ नेशनल हाईवे 707 पर पहाड़ दरकने की भयावह तस्वीरें सामने आई। कामरू के पास हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। आलम ये है कि इस डराने वाले लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है, जिसकी वजह से करीब 200 से ज्यादा गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। और यही वजह है कि हजारों लोग अभी भी रास्तों में ही फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश मुसीबतों की वजह बनी हुई है। आलम यह हो चुका है कि फ्लैश फ्लड की वजह से इलाके में बना एक अदद पुल भी ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना पड़ता है। लहरों की रफ्तार पल भर में किसी को भी बहा सकती है, लिहाजा एक दूसरे को सहारा बनाकर ही लोग नदी पार कर रहे हैं। इस गांव में जो ये नाला है, ये मतलब इस नाले की वजह से इस गांव को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्रिज था, एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक यही ब्रिज है जो हमें निर्माण में दिया गया था, उसके बाद या पहले कुछ भी हमें नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस ब्रिज का निर्माण फिर से अच्छे से किया जाए। जम्मू कश्मीर के त्राल से आए इस 22 सेकंड के वीडियो को भी देख लीजिए। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी तबाही हुई है। पहाड़ों से उतरा ये सैलाब पल भर में अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। इस दौरान सैलाब की रफ्तार इस कदर तेज थी
कि पुल का हिस्सा किसी खिलौने की तरह बह गया। इस छोटे से पुल के बह जाने की वजह से गांव के लोगों को आवाजाही में अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ पर उतरी आसमानी आफत के बाद अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां उफनती नदी के बहाव में फंसने से एक लड़का बह गया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव के बीच लड़के ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन लहरों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लड़का पानी में बह गया। हालांकि इस दौरान लड़के को बचाने के लिए गोताखोरों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद लड़के को बचाया नहीं जा सका। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई। यहां सड़कों पर सैलाब का ऐसा सितम दिखाई दिया कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। इस दौरान पानी की तेज धार के बीच जब एक ट्रक ने लहरों को पार करने की कोशिश की, तो ट्रक के पहियों को सैलाब की टक्कर ने जाम कर दिया। जोधपुर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहां बारिश के कहर ने ट्रेन की पटरियों को खासा नुकसान पहुंचाया। जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच तेज रफ्तार से बह रहे पानी ने पटरियों को खोखला कर दिया है, जिस वजह से जोधपुर रूट की सभी ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है। उधर राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश ने मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी है। यहां के कई इलाकों में सैलाब ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है। नजर जिधर तक जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। टोंक रोड पर मानपुरा गांव में भारी बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल है। यहां बारिश का पानी सैलाब बनकर लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। कमर तक भरे पानी के बीच लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रचंड बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर पानी ऐसे गुजर रहा है जैसे कोई बांध टूट गया है। दुश्वारियां ऐसी है कि घर हो या दुकान या फिर कोई दफ्तर, सब कुछ पानी की भेंट चढ़ चुका है। ये वाला जो सैलाब है इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर घर बार छोड़ करके समान जान बचा करके बाहर लाइब्रेरी हुआ जो अभी वहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद जलस्तर में इजाफा होने की वजह से हथनी कुंड बैराज के गेटों को खोल दिया गया है। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से अभी भी ऊपर बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोहे के पुल के पास और जहां से आपको यमुना का स्तर हम आपको दिखाएं, देखिए यमुना का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। अगर आज की बात करें तो 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, और अगर अभी जलस्तर की बात करें यमुना में कितना जलस्तर है तो सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है, 205.01 मीटर पर यमुना बह रही है। दिल्ली पर मंडरा रहे सैलाब के इस खतरे को देखते हुए शास्त्री पार्क इलाके से करीब 200 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इसके लिए 100 से ज्यादा कैंप भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस लगाई गई है, और इसके अलावा जितने भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उनका कोरोना टेस्ट भी यहां पर हो रहा है। आप देखेंगे एक वैन यहां पर खड़ी है जो लगातार उन लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है जो यमुना किनारे से ऊपर जिनको कैंप में शिफ्ट किया जाना है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका कोरोना टेस्ट चल रहा है। अब जरा ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन 200 लोगों को यहाँ पर निकाला गया है इस इलाके से, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जाहिर है कुदरत की ये चुनौती फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन छूटने के डर से वो महिला काफी जल्दबाजी में दिखी, और इसी बीच वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बनी खाली जगह में गिर गई। तभी वहां तैनात एक रेलवे पुलिस का जवान बिना वक्त गवाए उस महिला की तरफ बढ़ा और जान बचाने के लिए उस महिला को बाहर खींचता दिखा। रेलवे पुलिस के जवान की फुर्ती काम आई
और चंद मिनटों में चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी इस महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। धनबाद में जज के कत्ल की गुत्थी और भी रहस्यमयी होती जा रही है। ऑटो ने टक्कर मारकर जज की हत्या की, इसका सीसीटीवी जैसे ही सामने आया तो ये मर्डर मिस्ट्री करीब करीब सुलझती नजर आई। मगर अचानक इस किस्से में एक ट्विस्ट पैदा हो गया और जज की हत्या एक मिस्ट्री में तब्दील हो गई, क्योंकि जज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो बात उजागर की उसने हत्या की थ्योरी को तो पुख्ता कर दिया, मगर कई सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जज उत्तम आनंद की जान का दुश्मन है कौन। इसी बीच इस रहस्यमय कांड को सुलझाने के लिए अब सीबीआई को जांच का जिम्मा देने की सिफारिश भी की गई है। जज की मौत का गहरा रहस्य। अभी तक अधिवक्ताओं को तब हत्या होते हुए देख रहे थे, लेकिन जज साहब लोगों को भी मारने लगे। धनबाद कांड में नया पर्दाफाश। आपको दिखाते हैं कि आखिर यह पूरी घटना हुई कैसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उलझी गुत्थी। हम लोग सभी बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी ने दिखाया नया सुराग। सीसीटीवी में एक शख्स ठीक ऑटो के पीछे मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिया है। शक की सुई बाइक सवार की ओर घूमी। सीसीटीवी की इस फुटेज में एक हत्या की वारदात हादसे की शक्ल में दर्ज है। एक नजर में देखने पर सीसीटीवी की इस फुटेज में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत एक मामूली सा सड़क हादसा जैसा नजर आती है। लेकिन जब धनबाद पुलिस ने इस फुटेज के एक एक फ्रेम को कई कई बार देखा तो इस हादसे में हत्या के सुराग मिलने लगे। मगर ये सुराग जिन सवालों को अपने साथ लेकर आए उन्होंने धनबाद पुलिस का सिर चकर घिन्नी कर दिया। इन तस्वीरों के अलावा धनबाद पुलिस को अब तक जो कुछ भी साक्ष्य और सुराग हाथ लगे अगर उनका एक एक करके पोस्टमार्टम किया जाए तो कत्ल की वारदात को छुपाए हुए इन फुटेज में कातिल का अक्स साफ नजर आने की उम्मीद धनबाद पुलिस को होने लगी है। हम लोगों ने जो प्रॉपर उसका लीगल प्रोसीजर्स है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहां जो चीज चाहिए होगा वो हम लोग जरूर। सर 48 किस दिशा में हो रही है, क्या ये 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक? हम लोग सभी बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो जो बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन क्रम में उसको हम लोग उसके जो गहन पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर जांच की। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की तहकीकात करने निकली एसआईटी की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची। इस टीम के साथ धनबाद पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सामने आए सीसीटीवी को खंगालते हुए पुलिस को एक संदिग्ध जरूर नजर आ गया जिसने पुलिस की आंखों में चमक पैदा कर दी, क्योंकि ऑटो की टक्कर से ठीक पहले सड़क की दूसरी ओर एक बाइक वाला नजर आ रहा है जिसने गर्दन घुमाकर जॉगिंग कर रहे जज की ओर देखा। इस बाइक सवार ने बाकायदा काले रंग का हेलमेट भी पहन रखा था, शायद खुद को छिपाने के लिए। लेकिन उसका इस तरह सिर घुमाकर जज की तरफ देखना पुलिस वालों को सुराग दिखा रहा है, क्योंकि इसके चंद सेकंड बाद ही पीछे की तरफ से आए एक ऑटो ने खाली सड़क पर लेन बदलकर आराम से सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे जज उत्तम आनंद को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही जज उत्तम आनंद वहीं सड़क के किनारे गिर गए और बेसुध हो गए।
इसी बीच ऑटो वाला फिर तेजी से लेन बदलकर वहां से निकल गया, लेकिन फुटेज का टर्निंग पॉइंट अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि ऑटो की टक्कर के चंद सेकंड बाद एक बाइक सवार उसी सड़क से होकर गुजरा और उसने सड़क किनारे बेसुध पड़े जज उत्तम आनंद की तरफ देखा तो, लेकिन वहां रुकने की बजाय अपनी बाइक को तेजी से भगा कर ले गया। बस इसी बात ने इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही एसआईटी को सुराग दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के दौरान पुलिस को यह सीसीटीवी में एक शख्स ठीक ऑटो के पीछे मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिया है और उसकी भी जांच अब शुरू हो गई है कि आखिर वो कौन शख्स था जो ऑटो के पीछे ठीक गुजरा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तो उस शख्स की तलाश अब तेज कर दी गई है। तो वहीं जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर है और उसके साथ एक शख्स जो ऑटो में बैठा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई है उसके आधार पर दो जगहों पर छापेमारी हुई है। इसी बीच एसआईटी को जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जज उत्तम आनंद के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। अब एसआईटी को शक है कि ऑटो से टक्कर मारने से पहले लोहे की किसी भारी सलाख से जज उत्तम आनंद के सिर पर हमला किया गया था। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब सवाल यही है कि क्या बाइक वाला भी इस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि एसआईटी इस बाइक वाले को संदिग्ध मान रही है और उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है, और इसका पता लगाने के लिए घटना वाले दिन मौके वारदात के आसपास 2 बजे से 8 बजे तक कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। इस बीच रांची से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कोर्ट मोड़ रणधीर वर्मा चौक के पास से मौके से कई साक्ष्य जुटाए। ऑटो से टक्कर के बाद जज जिस जगह पर गिरे थे, उस जगह के आसपास गाड़ी का टूटा हुआ इंडिकेटर का अंश सैंपल के रूप में लिया गया। टीम घंटों जब्त ऑटो के सैंपल भी लेते रही। ऑटो का बायां इंडिकेटर टूटा हुआ था, माना जा रहा है कि ये टक्कर से इंडिकेटर टूटा होगा। ऑटो की सीट से भी कई सैंपल एकत्रित किए गए। सीआईडी की 4 सदस्यीय टीम ने भी मौके वारदात के साथ साथ जब्त ऑटो की जांच की। अभी तक अधिवक्ताओं को तब हत्या होते हुए देख रहे थे, लेकिन जज साहब लोगों को भी मारने लगे तो थोड़ा ये काफी वार्निंग स्टेज आ गया है। सरकार को और न्यायपालिका को भी देखना होगा। जज उत्तम आनंद की मौत मामले का सच सामने लाने के लिए धनबाद पुलिस की कई टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के मोबाइल नंबर का स्कैन किया जा रहा है। दोनों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। लखन और राहुल से जुड़े आधा दर्जन मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत हत्या है या हादसा, इसका पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। परिवार वाले शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मिले। बहुत जो है सो तकलीफ, बहुत ग्रीफ में हूँ। मेरा परिवार जो है सो, जो सब बच्चे लोग जो है सो हैं, सब परिवार मेरा बर्बाद हो गया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरा अपील ये है कि इस पर जो है सो, जो कल्पित है केस ऑफ मर्डर है ही, और वो जो है सो कल्पित को पकड़ के उसको सजा दिया जाए। मुमकिन है कि अब एसआईटी इस पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन भी करेगी और गिरफ्तार हुए दोनों लोगों के अलावा सर्वेलांस पर लगे तमाम मोबाइल नंबरों की तलाश से भी पुलिस जल्दी ही अब जज की हत्या का पूरा सच सामने लाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। गृहमंत्री आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, साथ ही वहां बन रहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के काम को भी देखेंगे।
पटना में डॉक्टरों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के समय किसी बात पर डॉक्टरों के दो गुट आपस में भिड़ गए और थोड़ी ही देर में इन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मारपीट में शामिल डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आमिर खान और किरण राव से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि इस मुलाकात के समय राज्य की फिल्म पॉलिसी पर चर्चा हुई। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के कमांडरों के बीच मोल्डो में करीब 9 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में सीमा पर जारी तनाव को खत्म करने पर चर्चा हुई। दिल्ली के सीमापुरी में एक नवजात बच्चे से मारपीट का मामला सामने आया। बच्चे की माता पिता की शिकायत पर जब अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तो एक नर्स नवजात से मारपीट करती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। बांग्लादेश में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी। इसके बाद देश के कोने कोने से मजदूर राजधानी ढाका पहुँचना शुरू हो गए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जोर का झटका लगा। भारतीय सुरक्षा बल ने मसूद के पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और करीबी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लंबू आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने का एक्सपर्ट था। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल कार में लंबू ने ही आईडी फिच किया था। मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू के मारे जाने का सीधा सा मतलब यह है कि भारतीय सुरक्षा बल ने कश्मीर में मसूद के आतंकी नेटवर्क की कमर भी तोड़ दी है। सैफुल्ला अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, ये समय दूर नहीं है जबकि जैश मोहम्मद का यहाँ सफाया हो जाएगा। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर, मारा गया पुलवामा हमले का गुनहगार, जैश सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार मुठभेड़ में ढेर, जैश कमांडर लंबू मारा गया। शनिवार सुबह भारतीय सुरक्षा बल ने कश्मीर के त्राल इलाके में बड़ी कामयाबी हासिल की। भारतीय सुरक्षा बल ने जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को एक एनकाउंटर में मार गिराया। मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखता था और आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने का एक्सपर्ट था। सुरक्षा बल ने इस एनकाउंटर के दौरान लंबू के एक साथी को भी ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 और M4 राइफल भी बरामद हुई है। लंबू जो है अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्ला बोलते हैं, क्या काफी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है और सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्ला अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली थी कि पुलवामा के त्राल के नागबेरान तारसर के जंगल में कुछ आतंकी छिपे हैं। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। इतना ही नहीं, आतंकियों को घेरने के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया, लेकिन जवाब में आतंकी लंबू और उसके साथियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल ने लंबू और उसके एक और साथी को मार गिराया। आईजी विजय कुमार के मुताबिक मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को उसके साथी फौजी भाई भी बुलाते थे। कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर का ये रिश्तेदार कश्मीर में कई आतंकी वारदात में शामिल रहा है। सुरक्षा बल एक लंबे वक्त से आतंकी लंबू की तलाश बेहद शिद्दत के साथ कर रहे थे। दिसंबर 2019 में लंबू सुरक्षा बल के साथ हुई एक मुठभेड़ में बच निकला था।
28 मई 2021 को लंबू ने पुलवामा पार्ट टू को अंजाम देने की कोशिश की थी। सुरक्षा बल ने वक्त रहते ये साजिश नाकाम कर दी थी। एज आईडी एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो आईडी लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल रहमान और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों आईडी एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ जिसमें हमारे एक एसपी फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसके बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का मैंने उसी टाइम वहाँ जब मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मैन एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में आईडी का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये आईडी को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल कार में आईईडी फिट किया था। जैश सरगना कारी मुफ्ती यासीर के मारे जाने के बाद लंबू को कश्मीर में जैश की कमान सौंपी गई थी। मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू जनवरी 2017 में कश्मीर में दाखिल हुआ था। लंबू पुलवामा के त्राल इलाके में काफी लंबे वक्त से सक्रिय था। मोहम्मद इस्माइल अलवी 6.5 फीट का था, इसीलिए उसके साथी उसे लंबू कहते थे। जैश सरगना मसूद अजहर ने लंबू को कश्मीर में जैश के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भेजा था। इसके अलावा लंबू को नए लड़कों की भर्ती और उन्हें आईईडी बनाने की ट्रेनिंग देने का काम भी सौंपा गया था। इतना ही नहीं, लंबू पर कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाने का जिम्मा भी था। लंबू अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिकी फौज के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है। ये एक अच्छी डिजाइन है, यहाँ से लड़कों को ले जाओ, वहाँ पर ट्रेन करो, उसके बाद में उनको टेररिस्ट बना करके भेज दो। ये सारे बच्चे तकरीबन 40 अभी फिगर बताएंगे आपको आईजीपी साहब, कई बच्चे उस टाइम पे यूथ हमारे यहाँ से उधर गए, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया गया फॉर वीज़ा के लिए, पढ़ने के लिहाज से गए थे बट उनको टेररिस्ट बना करके यहाँ भेज दिया गया। कई लड़के उसमें से न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि जो यूथ वहाँ से वापस सीधी तरीके से वापस आ जाएगा उसको वेलकम है, जो हथियार लेकर के आएगा उसको हमने न्यूट्रलाइज करना ही करना है। जिस तरह घाटी में आतंकी साजिशें एक के बाद एक नाकाम की जा रही हैं और चुन चुन कर सरहद पार से आए आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसे देखकर भारतीय सेना के अधिकारियों को उम्मीद है कि वो जल्द ही कश्मीर से अब आतंक और आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, वहां 2 जिलों में ड्रोन देखा गया है। बीती रात कठुआ के हीरानगर सेक्टर में फिर ड्रोन देखा गया, जबकि सांबा में भी ड्रोन देखे गए। खबर है कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास कल रात करीब 11 बजे ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान की तरफ से आया ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ ही लौट गया। इलाके में रहने वाले लोगों ने सुरक्षा बल के जवानों को बताया कि ये ड्रोन गांव के ऊपर भी काफी देर तक मंडराता रहा, जिसके बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गए। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, हाल के दिनों में देखें तो ड्रोन देखे जाने की घटनाएं काफी ज्यादा सामने आई हैं। इस ड्रोन के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बीती रात भी जम्मू के अलग अलग इलाके जो कि जिला कठुआ का हीरानगर इलाका है और जिला सांबा का गगवाल इलाका और जिला जम्मू का दोमाना एरिया, इन इलाकों में ड्रोन जो देखे गए थे और उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कोई चीज को गिराया है कि नहीं, लेकिन तीनों इलाकों में जो ड्रोन देखे गए वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे और उसी तरफ निकल गए। 28 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था ड्रोन से, उसके बाद लगातार जम्मू व अलग अलग इलाकों में जो आसपास के जो मिलिट्री स्टेशन है जहाँ फिर जो प्रमुख पुलिस के कैंपस हैं उन इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां बढ़ती देखी गई है। एक ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया था जिससे आईईडी मिली थी, तो अभी भी ड्रोन देखने का सिलसिला जारी है और ये सभी ड्रोन सीमा पार की तरफ से आ रहे हैं और जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में जो सेना के ठिकाने हैं या फिर पुलिस स्टेशन है उन इलाकों की रेकी करके वापस निकल रहे हैं। ठीक है पवन। हरियाणा में बिजली सस्ती होगी।
हरियाणा सरकार ने बिजली की दर 37 पैसे प्रति यूनिट कम करने का ऐलान किया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद मॉडल टाउन इलाके में एक झील में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। झील में पानी भरने से आसपास के घरों में सांप देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में परिवार के साथ पिकनिक मनाने गई एक महिला नहाते वक्त पानी में डूब गई। महिला के डूबते ही वहां हंगामा मच गया। लोगों ने महिला को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर दो ड्रोन देखे गए। इलाके के लोगों ने जैसे ही इन ड्रोन को देखा तुरंत सुरक्षा बलों को जानकारी दी, लेकिन जब तक सुरक्षा बल कुछ कार्रवाई करते ये ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में लौट गए। उत्तराखंड के नैनीताल में मास्क नहीं पहनने पर पकड़ी गई एक महिला पर्यटक ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से महिला को जमानत दे दी गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने से कई सड़कें बंद पड़ी हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ रोड पर भी मलबा गिरने से कई लोग फंस गए, जिसके बाद मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया। दिल्ली स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। काला जठेड़ी के साथ पुलिस की कस्टडी से भागी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल ने दोनों शातिर बदमाशों को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पहलवान सागर धनकर की मौत के बाद से सुर्खियों में आए काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस काफी शिद्दत से तलाश कर रही थी। काला जठेड़ी ने सागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। पकड़ा गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी। शिकंजे में 7 लाख का इनामी बदमाश। लेडी डॉन अनुराधा भी गिरफ्तार। गिरफ्त में काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी। देखिए इस समय दिल्ली एनसीआर का जो सबसे कुख्यात गैंगस्टर है काला जठेड़ी, वो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की वहां पर मौजूद है और इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 7 लाख रुपए का इनाम जो है वो काला जठेड़ी के ऊपर था और स्पेशल सेल के अलावा कई राज्यों की पुलिस जो है वो काला जठेड़ी को गिरफ्तार करी थी। जो राजस्थान की लेडी डॉन है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो है काला जठेड़ी रह रहा था। और बता दें कि जिस तरह से सागर धनकर की हत्या हुई थी उसके बाद से नाराज होकर जो नीरज भवानिया गैंग के जो शूटर है उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जो है वो टारगेट करने का इसका मंशा था। देखिए ये लेडी डॉन जो है ये इसके साथ यहाँ पर मौजूद है, जो पहले भी राजस्थान से गिरफ्तार हो चुकी हैं और फिलहाल देखिए स्पेशल सेल की कस्टडी में जो है वो इस समय काला जठेड़ी को रखा गया है। काला जठेड़ी उर्फ संदीप, दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में खड़े दिल्ली के इस कुख्यात गैंगस्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एनकाउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जठेड़ी को सहारनपुर के अमानत ढाबे पर उसकी सहयोगी लेडी डॉन अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दोनों के पास से एक एक पिस्टल भी बरामद की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम चर्चा में आया था। दरअसल पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर की पिटाई की थी तो सागर के साथ उस वक्त सोनू महाल भी मौजूद था। सोनू महाल काला जठेड़ी का रिश्तेदार है और उसकी पिटाई के बाद से ही काला जठेड़ी और सुशील कुमार में ठन गई थी। सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। काला जठेड़ी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। बकौल दिल्ली पुलिस, काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्पेशल सेल के मुताबिक फरवरी 2020 में फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और नेपाल में छिपता रहा। गिरफ्तार होने से पहले काला जठेड़ी लेडी डॉन अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था और जैसे ही सहारनपुर आया पुलिस ने उसे अनुराधा के साथ गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल के मुताबिक चूंकि काला जठेड़ी के रिश्ते राजस्थान में एक एनकाउंटर में आज से 6 साल पहले मारे गए आनंद पाल के गैंग से भी थे, लिहाजा वो और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे काला जठेड़ी को फरार होने के वक्त मदद करते रहे। इस दौरान काला जठेड़ी इतना बेखौफ था कि वो लगातार ठिकाने बदलने के साथ साथ अपने मोबाइल फोन से फेसबुक का इस्तेमाल भी कर रहा था। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की जनवरी 2021 में फेसबुक पर दी गई इस धमकी की तस्वीर को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दोनों कितने शातिर हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक सागर पहलवान हत्याकांड से नाराज होकर काला के निशाने पर सुशील कुमार और नीरज भवानिया के गैंग मेंबर थे, लिहाजा काला की नाराजगी से डरे पहलवान सुशील कुमार ने 3 बार काला जठेड़ी से फोन पर माफी भी मांगी थी और समझौते की बात भी कही थी। जिस तरह से छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ पहलवान की हत्या हुई थी उससे नाराज होकर काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी भी दी थी और जानकारी ये भी आ रही है कि उसके बाद एक समझौते के लिए जो पहलवान सुशील कुमार हैं उन्होंने काला जठेड़ी से माफ़ी भी मांगी थी। उस पूरे एंगल पे भी लगातार अब जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो काला जठेड़ी से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल ने इस शातिर दिमाग गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। दरअसल पुलिस की पूछताछ में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद स्पेशल सेल ने एक जाल बिछाया। लॉरेंस बिश्नोई की 20 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए बिश्नोई तक एक मोबाइल फोन पहुंचाया। ये स्पेशल सेल के ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था। फोन मिलने के बाद बिश्नोई ने काला जठेड़ी से बात की। 1 महीने तक बिश्नोई के फोन कॉल्स पर नजर रखने के बाद काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया।